नमस्कार, वे दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मकर संक्रांति पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम नगरी इलाहाबाद समेत देश भर में पवित्र नदियों और सरोवरों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर इलाहाबाद में करीब दो महीने तक चलने वाला माघ मेला भी विधिवत शुरू हो गया। इसके अलावा गढ़ मुक्तेश्वर, वाराणसी, कन्नौज, मथुरा, कानपुर, बलिया और गोरखपुर समेत राज्य के कई इलाकों में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती समेत अन्य नदियों और पोखरों में स्नान करने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की और खिचड़ी का दान किया। हरिद्वार, वाराणसी दशाश्वमेध घाट समेत अन्य घाटों पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जैश ए मोहम्मद के मदरसों पर पाकिस्तान ने ताला जड़ा। पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई मदरसों को बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का गढ़ माने जाने वाले पंजाब प्रांत में यह कार्रवाई की गई। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी पंजाब प्रांत में ही है। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि गुरुवार को डस्का इलाके में जमियातुल नूर मदरसे पर छापा मारा और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मदरसे को सील कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत कांग्रेस में शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों ने बताया कि पूर्व अकाली नेता और पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हुई के बाद मनप्रीत बादल की पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब को कांग्रेस में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तुर्की के हमले में आईएस के 200 आतंकवादी ढेर। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाबुतोग्लू ने कहा है कि तुर्की ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के इराक और सीरिया स्थित ठिकानों पर हमला किया जिसमें 200 आतंकवादी मारे गए। गत 12 जनवरी को आईएस के आत्मघाती हमलावरों ने तुर्की के इस्तांबुल शहर के ऐतिहासिक सुल्तान अहमद स्क्वायर पर जर्मनी के 10 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद तुर्की ने यह कदम उठाया। जापान में बस दुर्घटना, 14 पर्यटकों की मौत। जापान में एक रिस्की रिसोर्ट जा रही बस के शुक्रवार तड़के एक पर्वतीय सड़क पर पलट जाने से उसमें सवार 14 पर्यटकों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सरकार ने बताया कि बस 41 लोगों को टोक्यो से नागानो के एक स्की रिसोर्ट ले जा रही थी, लेकिन यह दक्षिणी नागानो के काराई जावा में सड़क पर पलट गई। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने बताया कि इस हादसे में 27 लोग घायल भी हुए हैं। ये तब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।